अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन आपने किया है तो वो जब हमसे डिस्कस करोगे आप तो वो थोड़ा लॉजिकल लगता है हमको। दूसरे ने ट्रेड डिस्कस किया है, दूसरे ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, हमारा डिस्कशन उसके साथ चल रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करके हमें क्या मिल जाएगा या आपको क्या मिल जाएगा, क्या सीख जाओगे आप उससे? दूसरे के ट्रेड कर, दूसरा ट्रेड करे उससे थोड़ी ना आपको कुछ मिलने वाला है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ना तो वो रिकॉर्डिंग्स देना कोई देने का कोई फायदा है और ना ही वो रिकॉर्डिंग हम देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, किसी दिन मान लीजिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसी फॉर्मेशन या वॉल्यूम्स के बारे में बताएं तो वो तो दे ही देते हैं। 21 डेज का सेशन होता है ये, करीब 1 महीने का अपना ट्रेडिंग सेशन रहा है। अब शुरुआत से तो नहीं ज्वाइन किया, अब आज जब हमने ग्रुप में कहा कि लास्ट क्लास है तो सब हो रहा है, तो हो रहा तो हो रहा है। विश्वदीप जी माइक अनम्यूट कीजिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या रहा लास्ट वीक का, कितने क्या सर ट्रेड्स मैंने हुए? 6 ट्रेड किए ओके, और इस बार मेरा 3 में चल गया। टोटल 6 ट्रेड तीन हैं एसएल 3। है सर। लास्ट टाइम आपके टोटल 11 ट्रेड थे जिसमें से 3 एसएल गए थे। हाँ जी सर, कोई इस बार थोड़ा सा मार्केट ऐसा ही था। नहीं, चलता है, हर तरह की मार्केट में लोगों को ट्रेड करना होगा। उसके पहले आपने 3 किए थे जिसमें से 1 एसएल गया था। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो सही है इस वीक का थोड़ा सा रहा है। हाँ ये SLV जो गए ना ये सब साइडवेज के चक्कर में गए सर। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे खिलाफ चला गया मार्केट, सिर्फ साइडवेज में मेरा तो वीक वीक में SL गया और वापसी साइडवेज पूरा मार्केट उसमें गया मेरा SL। कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, जो भी SL आपके जा रहे हैं क्या आपके रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आपके स्टॉप लॉस आप उतने दे रहे हो जितने कि आपने तय किए हुए हैं तो वो स्टॉप लॉस बहुत जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा। ये माइनस पॉइंट होता है कि मान लीजिए हमने 500 रुपये के स्टॉप लॉस, हमारी कैपेसिटी 500 की लगाने की है, लेकिन एक एसएल मेरा 1000 या 1500 रुपये का जा रहा है तो गड़बड़ है, ये ध्यान रखना। बस एसएल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा एसएल नहीं जाना चाहिए जो आपके रूल्स हैं। अगर वो ब्रेक करके एसएल जा रहे हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर, बाकी तो सब ठीक ही है। ठीक, ठीक थैंक यू सर। है, ओके शिव जी, ओके थैंक यू सर। आशीष जी माइक म्यूट कीजिए। आशीष जी आवाज़ आ रही है आपको? आशीष जी सुन पा रहे हैं? हाँ अभी आ रहा है सर मेरा आवाज। हाँ हाँ ठीक ठीक आ रहे हैं। 25 नवंबर का स्टूडेंट हो, चलेगा ना? नहीं, नहीं हमको भी बोला था ना सर ट्रेड करने के लिए आपने, हर हाँ एक लेकिन लाइन और हाँ, लेकिन अभी जिस ग्रुप से हमने बोला था हैंड राइज के लिए सिर्फ उनके साथ डिस्कशन करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके कोई ओके बात नहीं, कोई बात नहीं। मल्लेश जी माइक कनेक्ट कीजिए। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मल्लेश इवनिंग जी, सर। सर गुड इवनिंग। ड्यू टू माय बिजनेस ट्रिप लास्ट ओनली मेरा 21st का एक ही दिन ट्रेड हो पाया सर। उस ओके दिन मैं दो ट्रेड किया सर, दो ट्रेड टारगेटेड हुआ था। अच्छा, लास्ट वीक में 2 ट्रेड हुए सर। हाँ यस सर, 21st से ही मैं थोड़ा फ्री हुआ था सर, जब तक आउट ऑफ स्टेशन था। अच्छा, और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सारे अभी क्लैरिटी आ गया। ओके इससे पहले बहुत सारे डाउट आपको पूछ रहे रहते थे, वो पूरा क्लैरिफाई हो गया सर। नाउ आई एम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मल्लेश जी, थैंक यू सर, ये आपका हेल्प से ही हुआ सर, ये ओवरकम मेरा। थैंक शुक्रिया शुक्रिया यू वेरी मच सर। शुक्रिया। ओके मल्लेश, ओके मल्लेश जी हाँ आवाज़ सर आ आ रही है? हाँ देखिए रहा ट्रेड, सर मेरा। हाँ, ट्रेड करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं या जो मटेरियल चाहिए होता है एक एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारा आपके पास है। एग्जैक्टली सर। अभी हमें जो महसूस होता है थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है आपके अंदर, हाउ है सर ना? क्योंकि ट्रेड्स हाउ आप जो सर। भी करते हो भले ही कम समय या फिर किसी भी रीज़न से ट्रेड आपके कम हो पा रहे हैं, लेकिन जो भी ट्रेड करो बहुत अच्छे ट्रेड हैं। आप इसको हाँ और सर प्रैक्टिस करोगे ना तो ट्रेड आपके और बेहतर हो जाएंगे, है डेफिनेटली करूंगा सर। ना? हाँ करिएगा, और कोई भी इश्यू एक्चुअली रहता है। मैं एक ऑडिटर है सर, प्रोफेशन है, तो उसमें क्या है ना सर उतना टाइम नहीं मिलता है, बट जितना ही मिलता है ना सर, हाँ बट हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा सर। आप जो मुझे मदद किया, जितना भी डाउट है आप एसिटेशन नहीं हो कि अच्छा डाउट क्लैरिफाई किया, एंड थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके ड्यू टू माई प्रोफेशनल बिजी उसके वजह से मैं ट्रेड नहीं की पाया सर। आपको पर्सनली भी मैं मैसेज किया था सर, ऐसा टूर जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन, हाँ,
तो आने के बाद में एक ही दिन, वैसा तो मोबाइल हाथ में रहता था बट मोबाइल से ट्रेड करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड वो भी अच्छा भी नहीं है मोबाइल से करना है, तो इसके वजह से मैं नहीं कर पाया सर। जिस दिन मैं ऑफिस को रिटर्न आया सर 21st, उस दिन मैं ट्रेड दो ट्रेड लिया सर, इट इज़ सक्सेसफुली टारगेट के तरफ गया सर। राइट वेरी गुड मनीष। सर, दूसरा, जब भी कोई कैंडल आपका स्विंग हाई या फिर स्विंग लो लगा रही होती कंफर्म कर देने के बाद में, जैसे कि मार्केट ने सारी मार्किंग चली रिमूव कर देते हैं, सब लोग इस चीज को देखे हैं, ये लो हाई ये लो। अब यहां पर देखिए ये कंफर्म कर रहे हैं ना ये वाली कैंडल कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है। जाने के बाद में जैसे ये वाली ये स्विंग मेरा कंफर्म हुआ तो उस केस में फिर हमारी ये वाली कैंडल बन जाती है इंपॉर्टेंट कैंडल, क्योंकि पर्टिकुलर इस कैंडल में मेरा एक स्विंग लो लगाया था। जो कैंडल स्विंग लो या स्विंग हाई लगाती है वो कैंडल हमारी मास्टर कैंडल बन जाती है, हायर हाई लोवर लो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या फिर चौके बॉस मॉडल आप जो भी बोलो उसको। ये अब मार्केट पता है क्या करेगी, अगर इस कैंडल के ऊपर इसने सस्टेनेबिलिटी दिखाई, अगर इस वाली कैंडल के ऊपर कोई भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मान लीजिए इस कैंडल के ऊपर प्राइस हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, या फिर अगर प्राइस नीचे की तरफ आकर के मेरा ये वाला लो ब्रेक कर देती है, तो फिर इसके ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं और सबसे पहला जो उसको सपोर्ट मिलता है वो इस वाले स्विंग का मिलेगा। मतलब इस स्विंग लो से पहले जो एक स्विंग लो लगा होगा ना यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। अब मार्केट अगर इस एरिया पर आएगी तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी कि फटाक से नीचे की तरफ निकल जाए, ऐसे वो सस्टेन होती, थोड़ा थोड़ा सा मूव दिखाएगी, ऐसे करते हुए जाती है, एसएल जाएगा। लेकिन अगर जेन्युइन एसएल होगा तो काम चल जाएगा। अगर आपने उल्टा सीधा कोई एसएल दिया ना कि पिन बार बन रही थी इस वजह से किया, या कोई कंफर्मेशंस भी नहीं मिल रहे थे तब भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था, इस चीज़ से कोशिश करो थोड़ा सा बचने की। एसएल दो लेकिन जेन्युइन स्टॉप लॉस होने चाहिए, और अगर जेन्युइन स्टॉप लॉस है तो अगला ट्रेड आपका सही हो जाएगा। आपसे ये करना लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना सुनील सर, जी सर, तो हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे एग्जीक्यूट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने के बाद, ड्यूरिंग द ट्रेड वो स्टॉक हमें भेज देना। प्रदीप माइक म्यूट कीजिए। प्रदीप साहब, लास्ट वीक आपने क्लास अटेंड की? क्या रहा लास्ट वीक, कितने क्या अटेंड किया आपने? उसमें से दो एसएल हैं। कितने हैं टोटल? कितने साइडवेज टोटल? सिक्स। एसएल कितने गए? एसएल दो हैं। एक तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था ग्लेनमार्क का। ओके, एक बजाज फिनसर्व वेडनेसडे को हुआ था। हाँ, ऐसे लेने के बाद में जब गिर गया था स्टॉक आपका। हाँ, उसको टारगेट भी हिट हो गया था। हाँ, ग्लेनमार्क बढ़िया था। सही था क्या बोल रहे? हाँ बोलिए बोलिए। इसी मार्केट से मैंने पहले भी मतलब ट्रेड किए, मतलब इस बजाज सॉरी ग्लेनमार्क को दो से तीन टारगेट मेरे हिट हुए इसी लेवल से। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बैकआउट वाला ट्रेड भी डिस्कस किया था, ये वाला था ना ट्रेड लेवल मेरा वही मार्क किया था मैंने काफी टाइम से। डेली टाइम फ्रेम का प्राइस बोलिए अपना। 790 नहीं नहीं सॉरी 834। ये डेली टाइम फ्रेम का है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम का तो फिर आपने एंट्री नीचे क्यों ली थी? नहीं, मैंने एंट्री ली है अराउंड 10 मतलब 10 बजे के आसपास। और डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग ये थी? हाँ हाँ, मतलब उसके नीचे भी एक लाइन डाली थी मैंने 833 की। दो दो लाइन थी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट ट्रेड है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। मुझे लगा फिर बाद में मैंने एक शॉर्ट मैंने मतलब लेट करना था क्योंकि स्टॉप लॉस उस टाइम पे भी एंट्री बन रही थी। जब ऐसे लेट हुआ उस टाइम पे भी बिल्कुल तो सही एंट्री बन रही थी। बिल्कुल अच्छा ट्रेड है। ओके प्रदीप साहब, बढ़िया है। ठीक, लास्ट वीक आपके पांच थे, एक एसएल दिया था आपने खाली, उसके पहले छह, दो से ज्यादा नहीं हो रहे। हाँ, उसके पहले छह के थे जिसमें से दो एसएल वो भी मतलब मुझे लगता है मतलब जेन्युइन एसएल ही जा रहे हैं अभी, ऐसा कोई अच्छी तो नहीं है। अच्छा है प्रदीप, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। डेली टाइम फ्रेम लेवल से जैसे हम कोई रीडिंग कर रहे हैं उसमें आज हमें शॉर्ट करना है, ठीक है, वो डिक्रीजिंग लो के अकॉर्डिंग मान लो उसमें बाय बन रहा है तो फिर क्या करेंगे? उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना ऐसे ट्रेड को, बहुत बार तो कोशिश करते हैं कि हम छोड़ देते हैं जिसमें दो या तीन अलग अलग वे में हमको एक तरफ से बाई एक तरफ से सेल मिल रहा है, छोड़ देते हैं फिर। एक
दो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो ओके okay. कैसी भी वॉल्यूम्स बन जाए चलेगा, तीनों में कैसी भी वॉल्यूम्स बन जाए, इसे फॉलिंग पैटर्न बोलते हैं। ये जो वॉल्यूम्स गिरते हुए क्रम में तीन बार, तीन का एक अपना अलग होता है मार्केट में, जो ती थ्री नंबर का, जो 3 7 ये जो नंबर्स होते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, ये नंबर्स काम करते हैं। नंबर नंबर तो फिर कभी बताएंगे, अभी इनको देखिए। अब देखिए गेम क्या होता है यहाँ पर, जो आगे की कैंडल्स फॉर्म होती है ये किस तरह की होंगी, ये सिंपल ये फॉर्मेशन बनी, अब इसको जस्ट हमें कर देना है, ये याद रखना एक एक पैटर्न याद रखना, ओपन और क्लोज बहुत पास में होता है, एक दूसरे के बहुत करीब में होगा, तीनों में चारों पैटर्न्स में कॉमन होता है, चारों पैटर्न्स में कॉमन होगा जो आपकी फोर्थ वाली कैंडल की वॉल्यूम है, ये हमेशा ज्यादा होगी। ये जो फॉर्मेशन है इसका यूज हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम फर्स्ट वाली फॉर्मेशन ये वाली है, ये जो फॉर्मेशन है देखिए कितना भी हो जाए मार्केट को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्विंग तो लगाना ही होता है। ये सारी फॉर्मेशन, दो फॉर्मेशन हमने आपको बताई ना, ये दोनों ही फॉर्मेशंस स्विंग्स क्रिएट कर देती हैं, सॉरी चारों ही फॉर्मेशंस स्विंग क्रिएट करती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस जो सेंटर वाली कैंडल होती है इसके ऊपर क्लोजिंग मारने के बाद में ये वाला जो स्विंग है ये होता है कंफर्म, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है सेंटर वाली कैंडल है, ये माइन्यूट प्राइस एनालिसिस है। इसके साथ में अभी देखिए, जब हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में आ जाओगे आप, या हायर हाई हायर लोज में आ जाओगे, ABCD 1 2 3 पैटर्न जो भी है, पैटर्न सारे एक ही है, एक स्विंग ब्रेक होने के बाद में उसके प्रीवियस स्विंग की कंफर्मेशन मिलती है। स्विंग्स क्रिएट कर रही कैंडल का हाई लो भी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी चीज। तीसरा, फॉर्मेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो किसी भी कैंडल की मिडिल कैंडल जो होती है, मिडिल कैंडल आएगी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर किसी कैंडल की इंपॉर्टेंस हम लोग देख रहे हैं तो दो चीज से होगी, या तो प्राइस मोमेंटम उस तरह का मिल जाए, या तो फिर वॉल्यूम्स के कंफर्मेशंस कुछ इस तरह के आ जाए। अब एक तो ये वाली कैंडल बन गई, यहां पर अभी हमने आपको क्या बताया कि इस वाली कैंडल की वॉल्यूम होती है इंपॉर्टेंट, ये जरूरी वॉल्यूम होती है, यहां पर हमें देखना होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मिडिल कैंडल फॉर्मेशन होती है ना, इसकी वॉल्यूम की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जिन लोगों की क्लास आज खत्म हुई है वो इस फॉर्मेशन को नोट कर लेना, और ये जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन है ये हम कॉल पर आपसे डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर जो चीज अभी हम बता रहे हैं इसको नोट कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सेशन अभी बचा हुआ है जो कि फोन कॉल का है, तो वो सेशन फोन कॉल पर ही हम कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए ये याद रखो कि सेंटर कैंडल होती है इंपॉर्टेंट कैंडल मिली, ये चारों ही कैंडल्स मिल करके स्विंग्स क्रिएट करती हैं, स्विंग बनते हैं मार्केट में। जब भी आप ये वाली फॉर्मेशन देख लेना ना, आप मान लेना इस बात को कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी या तो स्विंग क्रिएट करके आपका अप या डाउन का मोमेंटम दिखा देगी, वो एक रिवर्सल कॉन्टिन्यूएशन या रिवर्सल होने ही होने हैं अगर आपको ये फॉर्मेशन दिख रही है तो। ये चार तरह की फॉर्मेशन हमने आपको बताई, इसको आप और रिवर्स कर दो, अभी इसको चलेंगे चार उस पर देखने के लिए, हम लोग चार्ट पर देखेंगे, समय रहेगा उसको चार्ट पर देखेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इसका रिवर्सल, बनाना जरूरी है क्या, इसका रिवर्सल देख लेना अपने हिसाब से क्या करना है ना, ये जो तीनों ही कैंडल आपकी ब्लैक हैं इनको बस आपको ग्रीन कर देना है, और ये वाली कैंडल आपको रख लेनी है अपोजिट कलर की, जो भी हमने रेड कैंडल फॉर्म की वो सब आपकी ग्रीन कैंडल हो जाएंगे, लास्ट वाली कैंडल का कलर अपोजिट मतलब लास्ट वाली आपकी ब्लैक हो जाएंगी। एक चीज इसमें ध्यान रखना, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है हम जिसे बहुत वो लेकर के चलें अरे ये तो बहुत आसान है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, मे बी चांस है, हो सकता है ऐसा। जैसे यहाँ पर ये चारों कैंडल्स आप देख रहे हो ना, ये चारों कैंडल्स की अलग अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्यों, प्राइस आपका कॉन्टिन्यूअसली 1 2 3 इस फेज में नीचे की तरफ गिर रहा था, अचानक से प्राइस नीचे की तरफ जाते 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 ऊपर की साइड में एक क्लोजिंग दिखा दी,
और इसने क्या किया ना, एक विक निकाल दी। तो अब इतनी आराम से मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही थी, और वॉल्यूम्स ने क्या किया यहाँ पर, इतने आराम से जब प्राइस बढ़ा नीचे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स क्यों इंक्रीज हो गई, और लास्ट कैंडल से ज्यादा की वॉल्यूम क्यों आ गई यहाँ पर, और ऐसा फोर्थ वाली कैंडल ने ही क्यों किया। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं रिवर्सल है। ये लो जो आपका होता है ना, ये एक बन जाता है सपोर्ट पॉइंट। बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट करने के बाद में अपसाइड की तरफ का मोमेंटम आपको दिखा दे, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये अक्सर आपको स्विंग पर दिखाई पड़ेगा। और अगर सपोर्ट यहाँ पर मार्केट रुकी, अगर मार्केट इस जगह पर रुकी और रुकने के बाद में इसने हमारी इस फॉर्मेशन के बनने वाला जो स्विंग लो है, इस फॉर्मेशन के बाद बनने वाला जो स्विंग लो है, अगर उसके नीचे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो प्राइस गिर जाना है। फिर उसके बाद फिर मार्केट गिर जाती है सपोर्ट लेकर के, वो मोमेंटम कई बार ऐसा होता है। तो इसके बाद में ये वाला प्राइस, अब प्राइस आपका आराम से डाउन साइड की तरफ मान लीजिए गिरता चला आ रहा है, लो 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 है ना। अब इस जगह पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बनी बनी अब बन जाए तो बन जाए ना। प्राइस अप में जाते हुए ये वापस से नीचे क्यों आ गई, इसने कर दी क्लोजिंग, विक निकाल दी। अब क्या हो रहा है कि यहां से देखो, जो ट्रेडिशनल कैंडल्स में आप पढ़ोगे तो फिर वो इसको क्या बोलते हैं, पिन बार आपका बन रहा है, हैमर, हैमर क्रिएट हो गया। अब इस हैमर की वजह से आप क्या करोगे, फिर यहां से आप शॉर्ट सेलिंग करोगे, ये ट्रैप करती है। यहां पर अगर इसको वॉल्यूम्स क्यों इंक्रीज हुई, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं। प्राइस ऊपर जा रहा था तो चला जाता है, इसने देखिए एक पिन बार बना दिया, एक पिन बार, वो भी अपोजिट कलर की कैंडल में, क्योंकि बाकी की तो कलर ये जो है ये तो ब्लैक कैंडल्स है ना, ये तीनों जो कैंडल्स है वो ब्लैक है। इसके बाद में पॉजिटिव कैंडल बन रही, पॉजिटिव कैंडल इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऊपर से आ गई एक विक, विक क्रिएट हो गई। विक क्रिएशन के बाद में फिर मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर इसने सेंटर वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, इवन अपनी फर्स्ट वाली कैंडल जो पिन बार है, इसका अगर हाई भी इसने ब्रेक कर दिया ना, तो प्राइस को ऊपर चले जाना है अपसाइड के मोमेंटम, या फिर इस पूरी फॉर्मेशन के बन जाने के बाद लगने वाला स्विंग लो, जैसे ही वो स्विंग लो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, यहां से रिवर्सल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कैंडल्स रिवर्सल्स फॉर्म करती हैं, वॉल्यूम्स मदद कर देती हैं हमारी फोर्थ वाली कैंडल की स्ट्रेंथ को कंफर्म करने के लिए। यहां पर ओपन और लो प्राइस जितना पास होता है, वहां पर चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। मदर कैंडल आपको पता ही है, जैसे कि ये मदर कैंडल बन रही है, अब मदर कैंडल में प्राइस ने प्रीवियस रेंज को ब्रेक नहीं किया, ना हाई ना लो, नहीं ब्रेक किया, और यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख गई। यहां पर फॉर्मेशन के हाईस और लोस ब्रेक नहीं हुए और वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई। इन फॉर्मेशन के बन जाने के बाद में जब आपको ये कैंडल दिख रही है, ये भी रिवर्सल का पैटर्न है। चारों चार की चारों कैंडल्स रिवर्सल्स बनाती है। आप किसी भी एक कैंडल को लेकर के काम नहीं कर सकते, कैंडल्स मर्ज करनी पड़ती, एक के बाद एक दो या तीन कैंडल्स मिला करके जब आप काम करोगे तो ये फॉर्मेशन फिर आपको हेल्प करती है। सिर्फ एक कैंडल से नहीं कि हमने पिन बार पढ़ लिया, हमने हैमर पढ़ लिया, हमने मदर कैंडल पढ़ ली, हमने ब्लैक क्राउन पढ़ ली, हमने डोजी पढ़ ली, अकेले कोई कैंडल काम नहीं करेगी। ये जितने कैंडल्स के फॉर्मेशन यहाँ पर हमने लिखे हैं ना, सिंगल डबल ट्रिपल, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। आप इसको लगा के देख लो, बहुत हद तक ये आपको कन्फ्यूज कर देंगे। और जहाँ आपने इन फॉर्मेशन का यूज किया, वहाँ देखना कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा ना, अभी आप जब इसका बैक टेस्ट करोगे या लाइव मार्केट जब हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ये अलग रिजल्ट्स दिखाते हैं। अलग इन द सेंस कि यहाँ पर फिर आपको प्राइस रुकता है, प्राइस मोमेंटम करेगा इस जगह पर, उसके अंदर हाई या लो कुछ लगना, तो यहीं से मार्केट आपका हाई या फिर लो लगाएगी। ये हमने चार कैंडल्स बताई हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर लेना, चार चार आठ हो जाएंगे जस्ट अपोजिट करने से। पवन देखेंगे इसको लाइव, जो डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग है उस मार्किंग के पास में ही सारी देखनी फॉर्मेशन, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं देखना। अब इधर आइए, सारी फॉर्मेशन को नोट करते चलना, डेट कर इन द सेंस के नेगेटिव कैंडल, सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल, थर्ड कैंडल शुड बी ग्रीन, आपका इस कैंडल को आप ड्रॉ करना, ये जो कैंडल मैंने यहाँ पर लिखी है। चलो ये तो फर्स्ट हो गए, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, थर्ड कैंडल मास्क लास्ट, या फिर फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, थर्ड कैंडल शुड बी थर्ड फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, ये गलत हो गया। सेकंड कैंडल शुड बी मास्क फर्स्ट कैंडल, ओके। इसके बाद में थर्ड कैंडल शुड बी हायर देन सेकंड कैंडल, सही है। तो ये बनेगा आपकी दूसरी फॉर्मेशन, इसको भी क्रिएट कीजिए, बनाइए। इसके बाद की तो फिर अपोजिट आ जाते हैं। चलिए फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, रेड इन द सेंस नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल। चलो एक हमने सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल, छोटी से छोटी चीज भी, मतलब अगर विक भी हमारी मोमेंटम में प्रीवियस या लास्ट कैंडल के हाई लो को ब्रेक करे ना, वो भी मैटर कर जाता है। हम उसको भी रीड करते हैं, प्राइस ने कहाँ तक मोमेंटम दिखाया है, कहाँ तक उसका मूव हुआ है।
थर्ड कैंडल शुड बी ग्रीन, थर्ड कैंडल हाई शुड बी हायर देन सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल यहाँ देखिए स्पेलिंग गलत है, इसको समझ लीजिएगा कैंडल लिखा है। अब जो थर्ड कैंडल हमारी बन रही है यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा ना, थर्ड कैंडल शुड बी, स्पेलिंग कितनी सारी स्पेलिंग गलत लिखी, थर्ड कैंडल हाई शुड बी हायर देन सेकंड कैंडल। अब जो थर्ड वाली कैंडल है मेरी ना, इसका हाई पॉइंट मार्क कर लो, थर्ड वाली कैंडल या तो क्लोज करनी चाहिए हमारी सेंटर वाली कैंडल के ऊपर, या तो फिर एक वीक होनी चाहिए। याद रखना, थर्ड वाली कैंडल या तो सेंटर वाली कैंडल के ऊपर मेरी क्लोज कर दे, नहीं तो फिर एक वीक कंपलसरी है। यहाँ पर एक क्लोजिंग चलिए हम बना देते हैं। एक तो ये कैंडल हो गई, अभी इसमें वॉल्यूम्स है, अभी आगे चल के बताते हैं आपको वॉल्यूम्स के बारे में। इसके बाद में फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है, ओके। इसके बाद में सेकंड कैंडल शुड बी मास्क फर्स्ट कैंडल, मास्क इन द सेंस छुपा लेना। अब अगर मास्क करेगी, मास्किंग चाहिए हमें सेकंड कैंडल से, सेकंड कैंडल अगर मास्क करती है तो चलिए ठीक है, प्राइस हमारा कहीं ओपन हो करके और नीचे की तरफ आए, मास्क कर ले इसको पूरी तरह से, इंगल्फिंग इंगल्फ कर ले, मास्क कर ले, ये हो गया मास्क। थर्ड कैंडल शुड बी हायर देन सेकंड कैंडल, अच्छा एक हाई होना चाहिए, या तो प्राइस हमारा क्लोज हो जाए, नहीं तो फिर एक विक से मूवमेंट दिखा दे ऊपर की तरफ, बस कैसे भी करके सेकंड वाली कैंडल का हाई मार्केट एक बार बस ब्रेक कर दे, अगर क्लोज हो जाता है तो ये बहुत ही प्यारा मूव होगा और ये कैंडल बड़ी ही होगी। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम्स का क्या रहता है, वॉल्यूम किस तरह से आप यूज करोगे, एक दो तीन, सेंटर वाली कैंडल हमारा ध्यान देने वाली कैंडल होती है, मतलब ये हमारी मास्टर कैंडल होती है। फर्स्ट वाली कैंडल देखिए दोनों ही फॉर्मेशंस में रेड है, जो कैंडल हमारा क्या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उस कैंडल से मूवमेंट हमें कैप्चर अगर करने होते हैं, सॉरी पर्टिकुलर उस कैंडल को हम लोग मास्टर कैंडल बोलते हैं। जो मास्टर कैंडल होती है ना, बहुत हद तक किसी भी एक फॉर्मेशन के ब्रेकआउट हो जाने के बाद से अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि प्राइस रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है, तो वहाँ पर सबसे हाई वॉल्यूम कैंडल आप मार्क कर लो, हाई वॉल्यूम की कैंडल के हाई या लो तक आपको प्राइस के रिट्रेसमेंट दिख जाएंगे और फिर अपने ट्रेंड में मार्केट चली जाती है। यहाँ पर 1-2 यानी कि सेंटर वाली कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा होती है अपनी फर्स्ट वाली वॉल्यूम से ज्यादा, बीच वाली कैंडल सेंटर वाली कैंडल उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। इसके बाद में जो थर्ड कैंडल है ये मिथ है, देखिए इस फॉर्मेशन में ये मिथ है कि अगर हमारी वॉल्यूम ज्यादा हो तो क्या ये कंफर्म हो जाता है कि प्राइस हमारा अप डायरेक्शन में या अप ट्रेंड में जा सकता है, अगर कम हो तो भी ठीक, ज्यादा हो तो भी ठीक, एक चीज जो देखने वाली है कि हमारी सेंटर वाली कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए बस, अगर थर्ड वाली कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा है तो भी चलेगा, ज्यादा नहीं है कम है हम तब इसको, बस फर्स्ट वाली कैंडल से ज्यादा हमारी सेकंड वाली कैंडल की वॉल्यूम होनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पर नॉर्मल ज्यादा वॉल्यूम और ये कैंडल का कलर आप देखिए, इस तरह से इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे, बहुत सारे यूज होते हैं पता है। और आपको कितनी कैंडल्स हमने बताई, चार पहले बताई और दो ये छह, छह का जस्ट आप डबल कर दो तो 12 कैंडल्स बन गए खत्म। इसके बाद से जब आप जब रीडिंग करने जाओगे ना तो आपको कोई ना कोई कैंडल्स आपको दिखेगी। याद रखना किसी भी कैंडल की किसी भी फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस उसके स्विंग हाई स्विंग लो से होती है, इन बिटवीन बन रही किसी भी फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए कैंडल्स रीड करने से पहले आपको स्विंग हाई स्विंग लो की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसका कि बहुत ज्यादा हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई है हायर और लोअर टाइम फ्रेम के मार्किंग करके। आवली टाइम फ्रेम सभी लोगों को हमने आवली टाइम फ्रेम की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है, इसके बाद में हायर टाइम फ्रेम पर कैसे मार्किंग की जाएगी ये आप लोगों को हमने प्रैक्टिस करवाया। कुछ लोगों को हायर टाइम फ्रेम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो वो धीरे धीरे करके, मतलब जिनकी सेकंड क्लास आज है उनको तो अभी नहीं मालूम होगा डेली टाइम फ्रेम पर कैसा क्या है। आज की जितनी फॉर्मेशन हम इसका यूज लोअर टाइम फ्रेम पर करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आज की फॉर्मेशन को मिलाकर के करीब 12 कैंडल्स बन जाती हैं। अब ये याद रखो, आपको मान लीजिए बाई करना है, बाई करने के लिए ये मेरी डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग है, हमें बाई करना है और बाई करते पर हमें ये मिल गई फॉर्मेशन, अगर ये फॉर्मेशन आपकी लोअर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पर आपके डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग के पास बन गई और अगर पर्टिकुलर इस फॉर्मेशन का लो ब्रेक हो रहा है, हमें क्या करना है बाई, अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है जाने दो फिर हम कुछ नहीं करेंगे क्यों, हमें तो बाई करना है ना, लो ब्रेक हो गया कोई बात नहीं इसका लो ब्रेक होने दो, प्राइस अगर लो ब्रेक कर रहा तो हो जाए वापस हमारी रेंज को, रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये फॉर्मेशन बना देने के बाद में प्राइस अपनी फॉर्मेशन का लो ब्रेक कर रहा है उस स्टॉक के अंदर जिसमें हमें बाई करना है,
ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना कि किस स्टॉक के अंदर हमें बाई करना सेल करना है। अगर उस स्टॉक के अंदर जिसमें कि हमें सेलिंग करनी है वहां पर हमें ये कोई फॉर्मेशन दिख गई या इसके पहले की कोई फॉर्मेशन दिख गई जो भी हमने आपको बताई, इसके अलावा जितने रिकॉर्डेड वीडियोस दिए हैं और जो फॉर्मेशंस हमने अभी तक की क्लास में आपको बताई हैं, उन सारी फॉर्मेशंस में से कोई भी फॉर्मेशन यहाँ पर सपोर्ट बना रही है और सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करे तो फिर वो नीचे निकल जाए, ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर इसने अपसाइड का मोमेंटम देखा है और हमारे रेजिस्टेंस को मतलब हमारी फॉर्मेशन के हाई के ऊपर जाकर के क्लोजिंग की, आप समझ लेना कि डाउन साइड की तरफ ये एक फेक ब्रेकआउट था। यहां से बहुत हेल्प हमको मिलती है एक फेक ब्रेकआउट को समझने की, और फेक ब्रेकआउट के बाद आपको पता है कि मोमेंटम होता किस तरह का है, लेकिन ये पहले से तय होना चाहिए कि हमें उस स्टॉक के अंदर करना क्या है। बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग कितने सारे हमने मेथड्स बताए हुए हैं, सभी मेथड्स को अप्लाई करना और इन सारी फॉर्मेशंस को देखना। आई होप कि समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो एक एक हमने कैंडल्स आपको बताई हैं, और ये एक एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक जिन लोगों की आज सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, नेक्स्ट वीक इन सभी कैंडल्स का सबसे पहले तो जितने भी हमने कैंडल्स बनाए उनको सबको एक एक पेज में, एक चार्ट में या कहीं पर डायरी में इसको नोट कर लेना, लिख लेना और एक एक कैंडल्स की प्रैक्टिस करना। इसकी प्रैक्टिस देखिए करने का तरीका क्या होता है, डेज फर्स्ट फॉर्मेशन, केवल दिन की सबसे पहली फॉर्मेशन, वन डे वन स्टॉक वन फॉर्मेशन। एक दिन में एक स्टॉक के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मेशन आप देखोगे, हो सकता है किसी स्टॉक में आपको एक फॉर्मेशन मिल रही है उसके जस्ट बाद में दूसरी मिल गई, दूसरी मिल गई तो मिल जाने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो सबसे पहले फॉर्मेशन बनेगी जिस स्टॉक के अंदर हम वही देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से प्रैक्टिस कैसे करोगे, सिर्फ दिन की सबसे पहली फॉर्मेशन को उठा लो, उस फॉर्मेशन को जस्ट मार्क कर लो आप और देखो कि क्या आपको मूव मिलता है वहां से, और इस तरफ जाना ही नहीं कि मैं बाई करना है सेल करना। अभी ये भी चीजें थोड़ा सा छोड़ देना, अभी रहना, अभी बाई सेल करना है, जस्ट उन फॉर्मेशन उन पैटर्न को देखना, और जिन लोगों को मालूम है बाई करना है या सेल करना है वो इस फॉर्मेशन को फिर अपने हिसाब से देखोगे, जिन्होंने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वगैरह पता है। बाकी ये जो हमने फॉर्मेशन बताया ना सबके लिए फॉर्मेशन है, इन सब की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद में जो चार्ट्स हैं, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर आप इसको देखना, और कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहता है, कहीं पर रुकते हो या कोई डाउट रहता है तो उसको फिर हमसे क्लियर करना। अभी के लिए देखो कुछ ये क्या है, ओपी यूएसडीटी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, सबसे पास में देख लो यार, सॉरी सबसे पास में देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक दो जो पहले हमने बताई थी आपको ए नंबर वाली, एक दो तीन, इसके बाद में ये फॉर्मेशन बन गई। क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ एक चीज देखना आप, हमने क्या कहा था सेंटर वाली कैंडल, बस देखते जाओ इसके ऊपर और या फिर ये जो आपका स्विंग पॉइंट है इसके नीचे। ये मार्केट इन चार कैंडल्स के बना देने के बाद में वॉल्यूम आप देख रहे हो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स ज्यादा है। इन कैंडल्स के फॉर्म कर देने के बाद में मार्केट में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों रुक रही है, अभी यहाँ पर सपोर्ट का गेम चलेगा थोड़ी देर तक, और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगी ना इस सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगी आप देखना फिर इसमें आपको मोमेंटम मिलेगा। इस तरह से प्रैक्टिस करना, जैसे अभी तो चलो हमने बता दिया कि प्राइस का डाउन साइड की तरफ को मोमेंटम मिलेगा या यहाँ से नीचे की तरफ चली जाएगी या यहाँ से ऊपर, आप ये सब मत देखना, नीचे चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, अभी फॉर्मेशन को मार्क कर लेना और सिर्फ ये देखना कि जो मार्किंग आप करोगे ना उस मार्किंग के पास फिर मूव क्या हो रहा है। पता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में यही चीज़ हेल्प करेंगी, वरना अभी से अगर आप ये मन में सोच रहे हो कि हमें बाइंग करना है सेल करना है तो ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम में फिर प्रॉब्लम होती है। तो अभी सिर्फ जो मार्किंग आप करो उस मार्किंग के ऊपर फोकस्ड रहना, सिर्फ मार्किंग के ऊपर फोकस्ड रहना। इंटरनल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे मिलते हैं, अभी सेकंड वाले में हमने एक फॉर्मेशन आपको बताई थी ना जिसमें एक ग्रीन कैंडल होती है, रेड और रेड कैंडल,